हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब डेनमार्क की पीएम मोदी जी के साथ एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में गई जहां पर सिर्फ भारतीय मौजूद थे, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे ऑलमोस्ट हर एक भारतीय बहुत खुश हो जाएगा। तो आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने गुस्से साथ ये कही कि भारतीयों को जरूर पता है कि किसी नेता का कैसे स्वागत किया जाए, और वो भारतीयों से गुजारिश करती है कि डेनमार्क में बसे भारतीय यही सेम चीज डेनमार्क के लोगों को सिखाए ताकि उन्हें भी ऐसा स्वागत टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके बाद ही उन्होंने ये कहा कि वो बहुत शुक्रगुजार है कि वो अपने मित्र मोदी जी का स्वागत कर सके डेनमार्क। वो खुश इस बात से है कि इस शाम एक साथ होने के कारण वो पूरे विश्व को दिखा सकती है कि डेनमार्क और इंडिया के बीच में रिश्ते कितने अच्छे हैं और वो और ये दोनों देश कितने अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के लिए। उन्होंने सारे भारतीयों का धन्यवाद किया क्योंकि ये जो आज हो रहा है वो उनके बदौलत ही हो रहा है। उन सारे भारतीयों का उन्होंने बाद में धन्यवाद किया जो डेनमार्क में आए, वहाँ बसे, वहाँ पर जम के मेहनत की और वहाँ पर इतना अच्छा माहौल बनाया। अपनी स्पीच के अंत में उन्होंने ये कहा कि डेनमार्क जैसा छोटा देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है विथ द ग्रेट इंडिया। अगर आप गौर फरमाएं तो जो वर्ड है द, वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कोई सुपर पावर के लिए या फिर कोई बहुत बड़े देश के लिए। ये बात साफ साफ दिखाता है कि पिछले 10 साल में भारत ने अपनी इमेज पूरे ग्लोबल स्टेज पर कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है कि आज कोई एक छोटा देश हमें द ग्रेट इंडिया के नाम से बुला रहा है या फिर पुकार रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।